जय हिंद दोस्तों, स्वागत है कोरी एक्शन वीडियो में। मैं हूं सैनिस। आज का ये वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स और डेली स्वैग का मिक्स वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के जो बल्लेबाज जब आते हैं तो वो छाते हैं। रोहित शर्मा जब विकेट दे बैठा है तो बाकी जो टीम आई है उन्होंने आपके सामने कैसा धोया, कोहली ने कैसा धोया, कैसे कैसे छक्के, क्लास के छक्के हमारे। शुभमन गिल ठीक है 92 स्कोर करके गया, विराट कोहली ने 88 स्कोर किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 82 स्कोर किया। देखे ना कि वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की खेल रही है इस टाइम। भाई को मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, सूर्य कुमार यादव ने 82 स्कोर नहीं किया है, वो श्रेयस अय्यर ने किया है। भाई को बोलने में थोड़ा लगता है मिस्टेक हो गया है, और उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा की तरह बेस्ट रही है। और जो इनके बॉलर जो श्रीलंका के बॉलर हैं उनको इनकी बैटिंग ही नहीं समझ आई यार, कि यानी कि खेल क्या रहे हैं इनको। उन्होंने कहा यार रोहित शर्मा आउट हो गए तो हम लोग अब मैच को किसी तरह कर लेंगे, सस्टेन कर लेंगे, विराट कोहली को भी पकड़ लेंगे, गिल को भी पकड़ लेंगे। कैसा पकड़ा है, पकड़ने के बजाय उन्होंने आगे से धोया इनको, ऐसा धोया ऐसा धोया, 357 का टारगेट दिया और चेज भी नहीं करने दिया। भाई आज का मैच देखा आपने, इंडिया वर्सेस श्रीलंका? जी इंडिया की बैटिंग देखी है। कैसी लगी? जी बहुत अच्छी बैटिंग थी, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई जो कोहली की और शुभमन गिल की और अय्यर की सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो पाई। हाँ यार सेंचुरी भी पूरी हो जाती तो क्या मजा आना था मैच देखने में भी। भाई बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि थोड़ी सी कमी रह गई, अगर सेंचुरी हो गई होती तीनों जने की तो और मजा आता मैच में। क्या लगता है कि आपको कि ये कैसे प्लेयर हैं, आपको इनकी कुछ समझ आती है क्या, इनका इन प्लेयर्स का मुकाबला हमारी टीम के साथ है? जी वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है और उनके पास हमेशा से वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहे हैं, और इंडिया जो है वो बैट्समैनों की सरजमीन है। क्या कहना चाहेंगे बुमराह और मोहम्मद सिराज की जो बॉलिंग थी, मोहम्मद सिराज ने शुरू में ही सिर्फ 2 रन दिए, उनको 3 विकेटें ले ली, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के बॉलर्स? आपने कहा कि जो इंडिया है वो बैट्समैनों की सरजमीन कही जाती है, लेकिन बॉलर्स भी तो उनके पास एंड लेवल के हैं। जी उनके पास बॉलर्स अब एंड लेवल के आए हैं, तो अब देख लें उनका रैंक भी देख लें आप, उनकी पोजीशन ही मजबूत है, मैच नहीं आ रही, और वो मतलब वर्ल्ड कप जीतने की सबसे फेवरेट टीम है इस वक्त। हाँ जी। तो बॉलर्स पहले उनमें कमी होती थी तभी वो अक्सर हार भी जाते थे, लेकिन अभी बॉलर्स उनके जब पूरे उनके पास बैटिंग पूरी है तो उनके चांसेस भी तकरीबन 99% है जीतने के। बताए 7 मैचेस भारत अब तक खेल चुका है, 7 के 7 भारत ने मैच विन कर लिए हैं, अनस्टॉपेबल जा रहा है अब तक, क्या कहना चाहेंगे, किस तरफ जा रहा है वर्ल्ड कप, परफॉर्मेंस भारत की कैसी है, इंजॉय कर रहे हैं आप, आज का मैच कितना इंजॉय किया आपने? सर देखिए आज को यानी कि पहली बात तो ये है कि भारत जो है मुसलसल एक ना उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया वर्ल्ड कप के अंदर, लगातार मैचेस में मैचेस जीता जा रहा है, कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो इंडियन टीम से बाहर है। मैं कहता हूँ सारे मैचेस इंडियन टीम कंट्रोल करके बैठी हुई है, उनके प्रेशर ही इतना सारी टीमों के ऊपर, कोई भी टीम इनको फेस करने से डरती है। क्या कहना चाहेंगे यार, एक भी मैच नहीं हारे वो इस वर्ल्ड कप के अंदर, एक भी मैच नहीं हारे, इतना को कमाल का वो अपना वो दिखा रहे हैं, अपने कमाल की बैटिंग, अब बॉलिंग, हर चीज़ कमाल की, और हम 4 मैचेस हार के बैठे हैं और अब भी यकीन, अब भी उम्मीद लगा के बैठे हैं ये होगा तो वो हो जाएगा। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, कमाल की बैटिंग और कमाल की बॉलिंग हुई है, आज भी कमाल की बैटिंग हुई है, विराट कोहली, सुमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शानदार बैटिंग की है, वहीं बॉलिंग में देखा जाए तो मोहम्मद सिराज ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की है, एक ही ओवर में 2 विकेट लिए हैं, और सामिन तो फिर फाड़ के रख दिया है, 5 विकेट लिए हैं, वहीं बुमराह ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की है, सिर्फ एक ही विकेट मिला है उनको, लेकिन बॉलिंग उन्होंने बहुत शानदार की है, तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो पूरी टीम जो है अच्छा शानदार प्रदर्शन कर रही है, चाहे बैटिंग का हो या बॉलिंग का हो। बारिश होगी तो आंधी आएगी तो हम जीतेंगे, ये इस तरह से टीमें बनती हैं यार। देखिए ये तो पाकिस्तान की हमेशा से मसाइल रही है ना, कि जब भी उन पर मतलब डाउनफॉल आता है तो मीडिया हमारे बैट्समैनों के खिलाफ हो जाता है, सही है, आवाम जो है उन पर इतनी मीम्स बनाती है, उन्हें मुकम्मल कोई सपोर्ट नहीं करती, तो अब मतलब यही हमारे पास टीम है और ये पहले वर्ल्ड कप से अच्छी टीम है, तो बस इसी के साथ हमने चलना है। अब डाउनफॉल आए, हम जो है वो बारिश की वजह से बाहर हो जाएं, या दुआएं करें कि यार फलां टीम जीते या हारे, तो यही टीम है, तो हम तो दुआ करते रहेंगे कि यार ये टीम आगे जाए। 8-0 हो गए हैं इंडिया के साथ मुकाबले, 8 मुकाबले वो जीते हैं, 0 हम जीते हैं, क्या कहना चाहेंगे, 0 भी 0 का फिगर कब 1 में बदलेगा? वर्ल्ड कप किसका लग रहा है? इंडिया का ही लग रहा है ऑफ कोर्स। तो क्या बात है, इंडिया की टीम ज्यादा मजबूत है हमसे? एक्चुअल में इस टाइम हमारे मुल्क के हालात इस तरह के है कि हमारी जो टीम है उसको मोटिवेशनल चीज नहीं है, देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, हालात मुल्क के इस तरह के हैं कि इस टाइम आप कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारी मुल्क की टीम को मोटिवेशन, एक पब्लिक का होता है, अब टीम खेल रही है दोनों, एक पब्लिक भी अभी वो इंडिया में जाके खेल रहे हैं, तो एक और चीज़ है इंडिया के अंदर वो ऑलरेडी मोटिवेट हैं, उनके मुल्क के हालात सही हैं।
पकड़ पाए। इंडिया को पकड़ना सर इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया। इंडिया इस टाइम अपनी वर्ल्ड की बेस्ट तरीन टीम खेल रही है और वो वर्ल्ड कप जीत रहे आए हैं और जीत के जाएंगे, देख लीजिए आप जरा। आपको क्या लगता है, इधर बहुत से पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि 96 में ऐसा हुआ था कि भारत ने सारे जीते थे लेकिन सेमीफाइनल में जाके हार गई थी, इस दफ़ा बहुत से पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अब तक तो अनस्टॉपेबल जा रही है लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर कोई सेटबैक देखने में आ सकता है, क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप किस तरफ जा रहा है, भारत के कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कमबैक करने, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हम दुआओं पे हैं कि अगर वो उसको हरा दे तो हम सेमीफाइनल में आ जाएंगे, हमारे अपने कितने चांसेस हैं और भारत के कितने चांसेस हैं? भाई पाकिस्तान ऐसा बोल नहीं रहा है कि पिछली बार इंडिया जो है सेमीफाइनल में हार गई थी, बल्कि पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है कि इस बार भी इंडिया जो है सेमीफाइनल में जाके हार जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है टीम की परफॉर्मेंस देखकर। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग तो भाई अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो यही होगा ना कि वो टीम हार जाए तो हमारा चांस बन जाएगा, वो टीम जीत जाए तो हमारा चांस बन जाएगा, ऐसे ही होगा ना जब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो। और तुम लोग जो है ना चाहते हो कि इंडिया टीम जाके सेमीफाइनल में हार जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सर देखिए भारत तो आपको सामने पता ही है, भारत इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी टीम लेके बैठा हुआ है और फाइनल के अंदर आपको पता ही है, सेमीफाइनल्स के अंदर इंडिया आपको लगता है कि बाहर निकल पाएगा, इंडिया निकलने देगा कहीं किसी को बाहर? इंडिया तो भाई आपके सामने बड़े बड़े मुश्किल मैचेस जीता है, आसान मैचेस कोई नहीं जीता, सारे मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल तरीन मैच था, साउथ अफ्रीका के सामने मुश्किल तरीन मैच था जो इंडिया ने उनको चेज़ नहीं करने दिया, तो इंडिया चेज़ करता है और उनको चेज़ करने भी नहीं दे रहा। आपने गौर किया अगर इंडिया की बैटिंग नहीं चलती बॉलिंग चलती है, जब बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चलती है, पाकिस्तान का इस टाइम वर्ल्ड कप के अंदर इतना कोई खास चांस नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों से तारीफ सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और कॉमेंट्स नहीं करते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।